वेलकम दोस्तों, आज हम देखते हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट ओपन करिए और इससे एयरफोर्स का एक्स वाई ग्रुप का लिंक ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने पेज आया साइन अप के लिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम पे आप अपना नाम भरिए, पेरेंट्स नेम पे अपने पिताजी का नाम भर सकते हैं या माता जी का, जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनका आप नाम फिल करिए। फिर ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे टाइप करिए अपनी ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको याद हो, क्योंकि इसके बाद ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उससे आपका लिंक एक्टिवेट होगा। तो इसलिए ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। तो अपनी ईमेल आईडी टाइप करते हैं और इसके बाद नेशनलिटी लेते हैं, आप इंडियन हैं इंडियन भरेंगे, अदर हैं फॉरन तो आप अदर पर डालिए। फिर मोबाइल नंबर जो चल रहा हो आपका नंबर वही आप टाइप कीजिए। इसके बाद कैप्चा कोड है ही है, आप अगर ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप रिफ्रेश करके भी टाइप कर सकते हैं, कैप्चा कोड दूसरा ले सकते हैं। तो आप यहाँ से कैप्चा कोड टाइप करके साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद या ओके पे क्लिक करिए। ओके जैसे ही करेंगे फिर से ओके के लिए देगा, फिर से ओके कीजिए और रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो गया। आईडी पासवर्ड मांग रहा है। अब जाते हैं हम अपनी ईमेल आईडी पे। अभी आपने बताया कि ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड जाएगा, तो आप अपनी ईमेल ओपन करिए। ईमेल ओपन करने के लिए आप न्यू टैब भी ले सकते हैं या आप न्यू फाइल पे ओपन कर सकते हैं नया ब्राउज़र ओपन करके। तो हम यहाँ पे नया ब्राउज़र लेते हैं, यहाँ पे वही ईमेल आईडी डालनी है जो आपने फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन पे किया था। अब हमारी ईमेल आईडी ओपन हो रही है, हो गई। यहाँ पे देखते हैं अभी कोई भी मैसेज नहीं है, तो यहीं पर आपके इनबॉक्स पर आएगा। कभी कभी होता है कि इनबॉक्स पर नहीं आता है, स्पैम वगैरह पर आ जाता है। तो आप देखिए लेफ्ट साइड मोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप आल मेल्स भी कर सकते हैं। आल मेल्स करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे जितनी भी मेल होंगी वो सभी आपको शो होंगी। तो आप इस आल मेल्स कर लीजिए और आल मेल में देखिए कहीं आपको एक मैसेज अभी रिसीव होगा। वेट करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए एक ईमेल मैसेज आ गया कैप करके। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ, ईमेल आईडी आप अपनी कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और इसके बाद वहीं पे ईमेल आईडी अपने लॉगिन आईडी पे डालिए। यहाँ से पासवर्ड भी आप कॉपी कर लीजिए और इसके बाद पासवर्ड भी आपको वहाँ पे डालना है। अब ये आप कॉपी करके भी वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या आप यहाँ से लॉगिन ईमेल आईडी और पासवर्ड कहीं और नोट करके फिर से वापस आप यहाँ पे लॉगिन करा सकते हैं। तो आप दोनों टाइप कर लीजिए, फिर आप कैप्चा कोड टाइप करिए सेम प्रोसेसिंग है, और इसके बाद साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद अब ओल्ड पासवर्ड मांग रहा है, सेम पासवर्ड वही डालिए जो आपके मेल पे आया है। न्यू पासवर्ड दिया हुआ है आपको, पासवर्ड आपको कैसे बनाना है उस हिसाब से आप पासवर्ड बनाइए। और इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पे आप कोई भी एक क्वेश्चन लीजिए और उसका आंसर दीजिए, और क्वेश्चन आपको याद रहे ऐसा क्वेश्चन और आंसर भी आपको याद रहे ऐसा लीजिएगा। तो इसलिए आप सही से क्वेश्चन लीजिए और उसके बाद आंसर टाइप कीजिए अपना, और इसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करेंगे ओके दे दिया कि आपका चेंज हो चुका है पासवर्ड, ओके कीजिए। अब आप वही पुरानी ईमेल आईडी और आपने जो नया पासवर्ड टाइप किया है वो पासवर्ड आप लेते हैं, फिर से ईमेल आईडी टाइप और कैप्चा कोड आपके सामने है ही है, आप कैप्चा कोड टाइप कीजिए और इसके बाद साइन इन कीजिए। साइन इन करते हैं, आ गया फिल एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल पे आपका फोन नाम और पेरेंट्स नाम वो ऑलरेडी रहेगा। देखिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, आप फाइल ले लीजिए। कितनी साइज लेना है वो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उस पर दिया हुआ है। इसके बाद आधार नंबर डालना है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आधार नंबर टाइप कीजिए अन्यथा ना भी टाइप करिए तो भी चलेगा। सिविलियन लीजिए, अगर है तो वैसे सिविलियन ही होंगे, और लीजिए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भरते समय ध्यान दीजिएगा जैसे फॉर्मेट दिया है, पहले आपका दिन मंथ है, फिर दिन है और फिर ईयर है, इस हिसाब से भर के नेक्स्ट करेंगे आप। इसके बाद 10+2 आप सेलेक्ट करेंगे, फिर यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से एक्स वाई जो भी आप ग्रुप लेना चाहें वो आप भरिए। आप किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा हुआ है, यूपी बोर्ड या किस बोर्ड से, तो वो आप सेलेक्ट कीजिए, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड जो भी आपने लिया है। इसके बाद इंटर पे कितना परसेंटेज है वो आप भरेंगे, फिर आप फोटो अपनी कक्षा 12 की मार्कशीट आप अटैच करेंगे, फिर इसके बाद इंग्लिश में आपने कितना नंबर पाया है वो डालेंगे, फिर आप मैथ में कितना नंबर आपको मिला है वो डालेंगे, इसके बाद फिजिक्स में कितना नंबर मिला है वो आप डालेंगे। ये तीनों डिटेल आपको कक्षा 12 की ही डालनी है, इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल के यहाँ टाइप नहीं करेंगे। इसके बाद अगर आपने कोई एडिशनल मार्क किया है तो यस कीजिए, अन्यथा नो करिए। हम नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने पे फिर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, अगर एनसीसी वगैरह आपने किया है तो यस करिए, अन्यथा सब पे नो कर दीजिए। इसके बाद एक आप बॉडी मार्क डाल लेना है आपको जो सही से दिखे, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको जब एग्जाम निकल जाता है तो यहाँ पे बॉडी मार्क आपका
चेक किया जाता है, इसलिए आप ध्यान बिल्कुल दे के रखें और इसको बॉडी मास डालें। फिर हाइट आपकी सेंटीमीटर पे डालनी है, इसके बाद चेस्ट है वो इंच पे है, ये ध्यान दीजिएगा कि चेस्ट लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर पे डाल देते हैं 80, 85, 86, यहाँ पे हमें सेंटीमीटर नहीं इंच पे डालना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कमर भी इंच पे ही डालना है और जूते का नंबर इंडियन रेंज पे आपको जो भी आपका जूते का नंबर है वो आप टाइप करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करना है। एड्रेस देखिए, एड्रेस पे होम एंड स्ट्रीट दिया है, आप इस पर आप अगर शहर का है तो आप यहां से डाल ही सकते हैं, अगर आपका गांव का है तो आप सिर्फ यहां पे विलेज नाम टाइप करिए, कंट्री इंडिया है ही है। इसके बाद आप जिस स्टेट के हैं वो टाइप करिए और जिस सिटी के हैं वो लीजिए, तहसील अपनी आप डालिए, फिर से विलेज दे रहा है और पोस्ट दे रहा है तो विलेज का नाम डालिए और पोस्ट ऑफिस डालिए। आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आप एरिया पिन कोड डालेंगे, सेम एड्रेस ही डालेंगे। अब देखिए अगर आप शहर के हैं तो एड्रेस पर आपको स्पेशल सिम्बल्स यूज नहीं करना है, जैसे आप लीक स्लैश हुआ या कामा लगाना है, पॉइंट लगाना है, ये सब आप इस यूज नहीं करेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं ये सब भरने के बाद। फिर यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लीजिए, फोटो कैसे लेने हैं नोटिफिकेशन पे पढ़िए, इसके बाद साइन अपने लेने हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो पेरेंट सिग्नेचर लगेंगे वो आप लीजिए, नहीं है 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आपको नहीं लगेगा, लेफ्ट थंब आपको लेना है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको टिक लगाना है, प्रेस पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेंगे और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फॉर्म देखिए आपका 100% कम्प्लीट हुआ। अब यहाँ पे फर्स्ट फेज पे 5 एग्जाम सेंटर चूज करने हैं, जो भी आपको लेने हैं वो आप 5 एग्जाम सेंटर्स ले सकते हैं। इस फेज वन पे आपका पहला एग्जाम होगा तो वो आपके सेंटर्स हैं, उसकी प्रेफरेंस आपको देनी है 5 सेंटरों की, सर्च करके ले सकते हैं, ढेर सारे सेंटर्स हैं। इसके बाद सेव सिटी पर प्रेफरेंस पे आपको टिक करना है। इसके बाद फेज टू आता है, फेज टू पे जब फर्स्ट एग्जाम आपका निकल जाएगा इसके बाद सेकंड एग्जाम के लिए कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको 3 एग्जाम सेंटर्स चूज करने हैं। आपको 3 एग्जाम सेंटर्स लीजिए और इसके बाद इनको भी आप सेव परफॉर्मेंस आप अपडेट कर दीजिए। सेव करने के बाद अब दे रहा है अपडेट, अगर कोई चेंजिंग अभी भी करनी है तो आप अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा सेव एंड कंटिन्यू करिए या होम पे आ जाइए। होम पे आने के बाद आप पेमेंट के लिए ओके करिए, पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, दिया है केवल HDFC, लेकिन यहाँ पे आप अदर भी डेबिट कार्ड से ले सकते हैं। अपना कार्ड नंबर टाइप करिए, नाम टाइप करिए, जो भी कार्ड पर एक्सपायरी डेट टाइप करिए और CVV नंबर टाइप करिए और कैप्चा कोड आपका दिया है, पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने पे अगर आपको OTP आ रहा है तो OTP टाइप करिए, OTP नहीं आ रही है तो OTP मत टाइप करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी पेमेंट हो जाए उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं और मैं पेमेंट पे क्लिक करिए। इतना करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो चुका है, अब देखेंगे आप सक्सेसफुली है। होम पे क्लिक करना है आपको और प्रीव्यू एंड प्रिंट पे देखना है, ये पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट है। सबसे पहले ही स्टेप दिया है ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल और प्रिंट करके आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।